हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 लेकर के आया हूं। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप क्लास नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं। तो आज हम ऐसे प्रश्नों को डील करेंगे जो NCERT के बुक से है और एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 में है। ये नंबर सिस्टम का काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और एक बात, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन टच करके पहले लेक्चर 3 को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 2 है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं और उस रेशनल नंबर के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। भिन्न से आपको किस में लिखना है? डेसिमल में लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, यानी कि अगर कोई भिन्न है दैट मीन्स वह परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को यदि आप दशमलव में बदलते हैं तो इसका दशमलव दो तरह का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्या को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो वह अशांत अनावर्ती होगा। ये सभी नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सारे चीज़ों को बता दिया गया है। यदि आपने नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन टच करके पहले लेक्चर 1 को देखिए, लेक्चर 2 को देखिए, उसके बाद लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 है उसको, 1.1 और 1.2 है उसको देख लीजिए, तब 1.3 देखिए। एक सिस्टमेटिक ढंग से आपकी तैयारी होती रहेगी। तो हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या को जब दशमलव में बदलेंगे तो वह या तो शांत होगा या अशांत होगा, तो आवर्ती होगा। तो यहाँ वही चीज़ हम लोगों को करना है कि कुछ भिन्न दिए गए हैं और उस भिन्न को आप पहले दशमलव में बदलिए और दशमलव में बदलने के बाद आप बताइए कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100। पहला क्वेश्चन क्या है? 36/100। अब देखिए, यदि आपको भिन्न में को दशमलव में बदलना है और भिन्न में केवल नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी 1 और 0 हो, तो इसको डेसिमल में बदलना बड़ा आसान है, डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ऊपर वाले नंबर को उतार दीजिए और नीचे में जितने 0 हैं दाहिने से उतने 0 अंक के बाद 0 दे दीजिए। तो इस तरह से इसमें 2 0 है तो 1 और 2 दो डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल दे दिए, लेफ्ट साइड में 0 दे दिए। तो अब ये देखिए शांत हो गया, ये रुक गया, ख़त्म हो गया, शांत। कैसा है ये? शांत। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। 1/11 घबराना नहीं है आपको। 1/ अब नीचे देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि नीचे में केवल 1 हो और 0 हो तो आप दाहिने से जितने 0 हैं उतने 0 के बाद दशमलव दे दीजिए, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ क्या है 11 है। तो अब क्या करेंगे हम, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से छोटा है 1 तो यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 देंगे, अभी भी छोटा है तो एक और 0 देंगे और यहाँ भी एक 0 दे देंगे। अब 100 हो गया, 11 9 जा 99, अब क्या बचेगा? फिर 1 बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब फिर एक 0 देने से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 0 देना होगा, तो फिर यहाँ 10 देंगे और इसको फिर डिवाइड करेंगे, ये फिर 1 आएगा। यानी बार बार हमारा शेष रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बार बार यही चीज़ हमको आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.09090909 एंड सो ऑन आता रहेगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, 0.0, चूँकि 09 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 09। तो ऊपर में क्या दे देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं और इसको रेकरिंग कहते हैं। तो देखिए ये शांत हो गया और ये अशांत आवर्ती हुआ, अशांत आवर्ती। आवर्ती उसको कहते हैं जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह जो है वह रिपीट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। तो पहला हो गया हमारा शांत, दूसरा हो गया अशांत आवर्ती। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 4 होल 1/8
फोर होल वन बाई एट, इसको डेसिमल पहले फ्रैक्शन को हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी पूर्णांक इसका तोड़ करके हम आठ चौका बत्तीस एक, तैंतीस बटे आठ हो जाएगा। ये कितना होगा, तैंतीस बटे आठ। अब हम तैंतीस में आठ से डिवाइड करेंगे, आठ चौका बत्तीस, एक शेष बचा, आठ एकम आठ, दो शेष बचा, आठ दूनी सोलह, चार शेष बचा, आठ पच्चे चालीस। तो इस तरह से हमारा हो गया 4.125। तो ये भी समाप्त हो जा रहा है, इसलिए ये भी होगा हमारा संत। उम्मीद है कि भाग देने आपको ज़रूर आता होगा, यदि भाग देने आपको नहीं आता है तो पहले भाग सीख लीजिए तब एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जैसे 33 को हमें 8 से भाग करना है, 33 को कितना से भाग करना है, 8 से भाग करना है, तो 8 चौके 32, अब शेष एक बचा भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ से अब एक जीरो देंगे, यहाँ डेसिमल दे देंगे, 8 एकम 8, यहाँ शेष बचा 2, अब क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो देंगे, अब एक जीरो के लिए यहाँ कुछ नहीं होगा, 8 दूनी 16, इसी तरह से शेष बचेगा 4, 8 पच्चे 40, और इस तरह से ये कैंसिल हो गया। तो हमारा डिवाइड करने के बाद आया 4.125, तो ये 4.125 ये समाप्त हो गया, अब कोई शेष नहीं बच रहा है, अब हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसी को कहते हैं शांत। तो ये हो गया हमारा शांत। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे, 3/4 नंबर है, 3/13, 3 में किस चीज़ से भाग देना है, 13 से, तो 13 × 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 26, 13 × 26 40, 13 × 26, ये 3 में 13 से भाग ही दे दीजिए, आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, 13 यहाँ डेसिमल देंगे, 13 × 26 4 40, 13 × 26 13 × 39, 13 × 39, अब शेष क्या बचेगा आपका, 1 कैंसिल हो गया, आप 2 जीरो देंगे तब जाकर डिवाइड होगा, तो 1 जीरो यहाँ दे देंगे, 13 × 5 = 91, 13 × 7 = 91, यहाँ 7 दीजिए, यहाँ 9 दीजिए, 13 × 7 = 91, 9 शेष बचा, 13 × 6 = 78, 6 × 78, अब ये 12 शेष बचा, 13 × 9 = 117, तो फिर 3 शेष बच गया, ये शेष और जो जहाँ से हम शुरू किए थे वह दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमें फिर और डिवाइड करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे, तो 0.23069 और इस पर रेकरिंग दे देंगे और ये लिख देंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो भाग देने में कहाँ तक भाग देना है इस चीज़ को समझ लीजिए, जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे और शांत और अशांत पूछा जा रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब वो समाप्त हो जाए तब छोड़ेंगे, या शेष जो है वह पुराना वाला आ जाए जहाँ से हम भाग देना शुरू किए थे तो वहाँ ले जा करके छोड़ेंगे और पूरे पे रेकरिंग दे देंगे, ये तरीका है। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, और एक बात ध्यान रखिए कि अगर वीडियो बनाते समय समय को बचाने की आवश्यकता होती है, तो अगर कोई चीज़ मिटा दिया जा रहा है तो उसको पीछे जहाँ वह चीज़ क्लियर आपको दिख रहा हो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कीजिए। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 1/6 है, 2/11, 2/11, अभी आपने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है 1/11, अब कह रहा है कि 2/11 कीजिए, फिर 329/400, इसमें टेंशन नहीं लेना है और आराम से डिवाइड करके लिख देना है। जैसे 2/11 है तो 2 में आप 11 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ जीरो देंगे, 11 × 1 = 11, शेष बचेगा आपका 9, अब एक जीरो के लिए यहाँ कुछ नहीं देते हैं, ये डिवीजन का रूल है, 11 × 8 = 88, शेष क्या बचा 2। आपको अभी मैंने बताया कि कब तक डिवाइड करना है, जब तक वह समाप्त नहीं हो जाए, शेष जीरो नहीं आ जाए, या शेष जो है वह शुरू से जहाँ से स्टार्ट किए थे डिवाइड करना वह नहीं आ जाए। जैसे ये 2 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे तो वहीं आएगा 1818, तो क्या इसको लिखेंगे 0.18 और इस पर रेकरिंग दे देंगे और इसको लिख देंगे अशांत आवर्ती, अशांत और आवर्ती है ये, इसको अशांत को अनौशानी भी कहते हैं, तो अनावशानी से ज़्यादा आसान लगेगा आपको, अशांत लिखिए।
अब है 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो यदि आपको डिवीजन आता है तो 400 क्या किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये 329 है, ये 400 बड़ा है, तो यहाँ वही काम करेंगे, एक डेसिमल देंगे, यहाँ एक जीरो देंगे, 48 जा 32, 100 आ गया, 09 ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ एक जीरो देंगे, अब इसके लिए यहाँ कुछ नहीं देना है, 42 जा 8, तो 800 आ गया, 100, फिर इसके बाद एक जीरो देंगे, 42 जा 800, ये डिवाइड करेंगे, 200 आ गया। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, 45 जा क्या हो जाएगा, 220, और दो जीरो यहाँ बैठा देंगे, कैंसिल हो गया, यानी कि ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है 80.8, इसको फ्रेश लिखिए, 0.8225, और ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप काम करेंगे, काम आपका बिल्कुल आसान हो गया। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने को हम लोगों ने कन्वर्ट किया उसमें एक रूल आपको बता देते हैं, वैसे ये रूल तो यहाँ 9th क्लास में है नहीं, फिर 10th में आप जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन फिर भी कि किसका शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा, ये इसके लिए एक रूल है, उस रूल को आप समझ लीजिए। आप बिना कुछ किए अगर इसी को डेसिमल में नहीं बदलना हो, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिना डिवीजन किए आप बताइए कि किसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत आवर्ती होगा, तो ये आप बिना डिवाइड किए बिना कुछ किए डायरेक्ट सेकेंडों में बता सकते हैं। उसके लिए रूल पहला ये है कि फ्रैक्शन में अगर नीचे ऊपर कुछ कॉमन है यानी कि कटने वाला है तो पहले उसको आप कटा दीजिए, और उसके बाद जो उसका हर है, जो हर यानी नीचे वाला जो है उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, और उसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि अगर दो आता है या पाँच आता है, या दो और पाँच दोनों आता है, तीसरा कुछ नहीं आता, ये ध्यान रखना, दो आ गया तीसरा भी आ गया तब तो दिक्कत है, दो आ गया और पाँच आया, या केवल दो आया या केवल पाँच आया, टू और फाइव के अदर देन कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका शांत होगा, उसका क्या होगा, शांत होगा। और जिसके अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, ये भी ध्यान रखना है, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर दो पाँच के अतिरिक्त कोई तीसरा संख्या आ जा रहा है, अभाज्य संख्या, तो क्या होगा, वह अशांत आवर्ती होगा। जैसे अभी आपने किया, यहाँ दो सामने है आपके, एक का है डिनोमिनेटर 11 और दूसरे का है 400, ये कटने वाला नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 11 है, तो 11 है तो ये अशांत आवर्ती आ गया। ये देखिए ये भी कटने वाला नहीं है लेकिन 400 है, तो 400 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 200, 100, 50, 25, और 25 को करेंगे तो 55, यानी 400 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, दो दो दो, पाँच पाँच, यानी दो और पाँच ही केवल आ रहा है, इसलिए ये शांत होगा और ये शांत आ गया। इसी तरह से और जो शांत आया है, जैसे 33/8, 33/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, इसमें भी केवल 2 है इसलिए ये भी आया है शांत। इसके अलावा एक और है आपका 11 वाला, तो 2 को है, ठीक है, 100 वाला, 36/100, तो इसको सबसे पहले कैंसिल होने वाला है तो काट दीजिए, 4 × 9 = 36 और 25 × 4 = 100, अब 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × 5, इसलिए ये भी क्या आएगा, शांत आएगा। तो इसको याद रखिए, आगे काम देगा कि जिस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा अभाज्य संख्या आ जाता है तो वह अशांत आवर्ती होगा, और 2 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं आता है तो वह शांत होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम 2 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 1/7 का वैल्यू ये है, इस पर एक रेकरिंग है 0.142857, इतने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल है, इसको हल करना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 1/7 इक्वल टू लिखेंगे 0.142857, देयरफॉर 2/7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, तो 2 × 1/7 का वैल्यू हो जाएगा
0.142857। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 27 जा 14, 25 जा 10 और 1, 28 जा 16 और 1 17, और 22 जा 4 1 5, 24 जा 8 2। ये हो गया आपका 2/7 का वैल्यू। 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, 2/7 का निकालना है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7 का हो जाएगा। इसी प्रकार से 3/7 क्या हो जाएगा, 3 × 1/7। 4/7 क्या हो जाएगा, 4 × 1/7। अब माल रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.143857, और इसको गुना कीजिए। गुना करने पर 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 × 17, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 3 × 9 = 2 = 11, 3 × 4 = 12, 1 = 13, 3 × 3 = 4। बस हो गया। उसी तरह से इसको लिख दीजिए, 4 × 0.143857। अब उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह 5/7, 6/7 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। 5/7 का निकालना हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/7 का निकालना हो तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फटाफट इसको आप नोट कीजिए, हम अगला कंसेप्ट लेकर के आपके समक्ष आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। कहता है कि ये रेकरिंग में जो दिया गया है, अभी तो हम लोगों ने फ्रैक्शन को रेकरिंग में बदला, सान दशमलव में बदला, अब हमें क्या करना है, रेकरिंग वाले को दशम ये फ्रैक्शन में बदलना है। तो रेकरिंग को आप आसानी से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसके लिए हम दो मेथड आपको बता दे रहे हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन करना हो तो आप एकदम धड़ल्ले से 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इसका बेसिक जो कंसेप्ट है पहले, उस मेथड से हम आपको ट्रेडिशनल मेथड से बता दे रहे हैं। दोनों मेथड आपको अभी हम तुरंत बताने वाले हैं। तो हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम पहले बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर करा दें, इसको आप कैसे बदलेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 0.6 पे रेकरिंग, इसका मतलब हुआ 0.666 एंड सो ऑन। इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे, मान लिया कि x बराबर 0.6 पे रेकरिंग। अब ये क्या हो जाएगा, x = 0.666 एंड सो ऑन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि दशमलव के दाहिनी ओर यदि रिपीटेशन दशमलव से ही शुरू हो जाए, दशमलव के जस्ट बाद से ही रिपीटेशन शुरू हो जाए, तो अब इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम दे दीजिए 1। गौर कीजिएगा, यहाँ 6 पे रेकरिंग का मतलब हुआ केवल 6 का रिपीटेशन हो रहा है, केवल 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो x = है आपका 6666, इसी तरह बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम नाम दे दिए 1। अब देखना ये है दूसरे स्टेप में कि कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है, केवल 6 का। तो हम 10 यानी 10 से इसको गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो ये अब दशमलव दाहिनी ओर घसकेगा, ये हो जाएगा, ये हुआ समीकरण 1। इसका नाम दे दिया, इसका 2 दे दिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद इसमें 3 ही 6 नहीं है, अनंत 6 है। तो ये 3 समझ के यहाँ 2 ही नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, और इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ये डॉटेड पॉइंट कर रहा है अनंत 6। तो ये अनंत 6 है, इसमें हम 2 ले, 3 ले या 10 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये अनंत है, उसमें से 1 6 को इधर हटाया गया है, तो ये अनंत है, 1 हटाएं या 1 बढ़ाएं उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये काम इसलिए किया गया है कि दोनों के डेसिमल पार्ट में, यानी कि दशमलव के दाहिनी ओर दोनों में सेम आ गया, इसलिए यदि इसमें से इसको हम घटाएंगे तो दशमलव के दाहिने वाला अंक सब समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से आप 1 को घटाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो 9x, इधर 6 में से 0 घटेगा तो 6, या दशमलव के बाद सेम है तो ख़त्म हो गया, इसलिए x बराबर आपका आ गया 6/9। आपको निकालना किसका वैल्यू है, x का ही वैल्यू निकालना है, तो यही 6/9 आंसर हो जाएगा, और ये कटने वाला है 3 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप काम करेंगे। यहाँ यदि आप लिखना चाहें
तो लिख दीजिए दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। तो इस तरह से आप काम करेंगे, काम आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए। अब हम दो नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो दो नंबर क्वेश्चन है 0.47 पे रेकरिंग है। तो यहां भी वही लिखेंगे कि मान लिया कि x बराबर 0.47, या ध्यान रखना है 7 पर ही रेकरिंग है, 4 पे नहीं है। यानी यहां केवल 7 का रिपीटेशन हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे ये ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि यदि डेसिमल के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए तो उसका नाम एक दे दो। यहाँ डेसिमल के बाद रिपीटेशन शुरू नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद 4 है और 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो पहला काम करेंगे हम इस डेसिमल को यहाँ लाएंगे। तो यहाँ लाने के लिए एक अंक घसकाना पड़ रहा है, इसलिए 10 से गुना करेंगे। ये हो गया 10x 4 × 7 7 7 एंड सो, इसका नाम एक दे दीजिए। अब गौर कीजिए कै गो अंक रिपीट हो रहा है, केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है 7, इसलिए एक 10 से और गुना कीजिए। तो 10 से गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये 47.77 हो जाएगा, इसका नाम दे दीजिए। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, पहले इसी का नाम एक दिए थे, यहाँ इसका नाम एक नहीं दे रहे हैं। एक बार गुना करके पहले हम रिपीटेशन को देख रहे हैं कि वह डेसिमल के जस्ट बाद से ही शुरू हो जाए, और दूसरे में तब फिर उसको हम लोग ये गुना करें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है कि दोनों में दशमलव के बाद एक ही तरह के चीज आ जाए, ताकि घटाने के बाद दशमलव के दाहिने तरफ का अंक समाप्त हो जाए। अब दो में से एक को घटाएंगे, दो में से एक को घटाने पर क्या मिलेगा, 100 में से 10 घटेगा तो 90x और 47 में से 4 घटेगा तो 43। तो x बराबर हो जाएगा आपका 43/90 और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप काम करेंगे, हबड़ा करके नहीं कि एक रूल बता दिए वहीं सब में लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ आ जाता है। तो लिखते हैं माना कि x बराबर 0.001 पे रेकरिंग, इसको थोड़ा इधर समेट लीजिए। x बराबर 0.001 तीनों पे रेकरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन। फिर एक और लिख दीजिए 001 एंड सो ऑन। इसमें भी ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद अंक रिपीट होने शुरू हो जा रहे हैं, यानी दशमलव के जस्ट बाद से ही रिपीटेशन है, तो इसका नाम दे देंगे एक। अब 10 से गुना करेंगे कि किस चीज़ से गुना करेंगे, इसके लिए आप एक बार और समझिए कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंक का। अगर हम 10 से गुना करेंगे तो दशमलव ही आएगा, तो इसमें और उसमें अंतर हो जाएगा, यहाँ 0.01 हो जाएगा, यहाँ 0.001 है। इसलिए जितने अंक से रिपीटेशन हो उतने से गुना करना था, एक पे 3 0 से गुना करेंगे, एक पे 3 0 से 0.03 अंक घसकेगा, यानी ये 0.03 यहाँ आ जाएगा। तो 1 से पहले 3 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 1.001001 एंड सो ऑन, इसका नाम दे दीजिए 2। अब देखिए एक और दो दोनों में दशमलव के दाहिनी ओर सेम अंक है, तो घटा दीजिए, दो में से एक को घटाने पर क्या मिलेगा, 999x और इधर क्या मिलेगा, एक। चूंकि एक है लेफ्ट साइड में, इधर 0 है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, और डेसिमल पार्ट में सब में सेम है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1/999 एंड दैट इज योर आंसर। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये बेसिक कंसेप्ट, इससे आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, मात्र एक सेकंड में सीधे आंसर निकालना सीखेंगे आप। हाँ तो बच्चों डायरेक्ट मेथड में क्या करना है ये देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 0.6 पे रेकरिंग, कुछ नहीं करना है, डेसिमल रेकरिंग सबको हटाइए, क्या बचेगा 6, और नीचे बटा के नीचे कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है, तो डेसिमल पार्ट में जितने पर रेकरिंग है उतना 9 और जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। यहाँ तो एक ही है, सीधे 9 लिख दिए, आंसर कंप्लीट। दूसरा देखिए 0.47,
अब एक पर एक रिंग है, एक पर नहीं है, एक पर एक रिंग है और एक पर नहीं है, तो घबराना नहीं है। पहले डेसिमल और एक रिंग को हटाइए, 47 बनेगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिए और जिस पर नहीं है उसको लिखिए, और नीचे क्या लिखिए, जितना पर रिंग है उतना 9 और जितना पे नहीं है उतना 0। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, 6 पर एक रिंग है तो 6/9, इसमें कोई झंझट नहीं है, एक ही अंक है और उस पर एक रिंग है, 2 अंक रहता तो 2×9, 3 अंक रहता तो 3×9। यहाँ थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है कि एक पर एक रिंग है और एक पर नहीं है, इसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सीधे हटा के लिखे 47 हो गया। माइनस का चिन्ह देंगे और जिस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा देंगे, और नीचे में जितना पर एक रिंग है, जय गो अंक पर एक रिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे, और जितने अंक पर एक रिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। यहाँ 7 एक अंक है तो 1×9, 4 एक अंक है जिस पर एक रिंग नहीं है तो 1×0। तीसरा देखिए 0.001, यहाँ तीनों पर एक रिंग है, सब को हटाएंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, 0.01 बचेगा, 0.01। तो ये 0.01 लिखें या सीधे 1 लिखें कोई अंतर नहीं है, तो 1 आर डिवाइडेड बाई, तीनों पर एक रिंग है तो 3×9 आंसर हो गया, सेकंड भी नहीं लगा, 2-3 सेकंड भी नहीं लगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए उसमें भी 6/9 आया था, इसको कैंसिल करेंगे तो 2/3, ये 43/90 और ये 1/999 यानी 1/999। तो ये मेथड डायरेक्ट मेथड हो गया, सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं, और वह ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसका वैल्यू ये आता है। एक और क्वेश्चन आता है आपसे, पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4, कि इस क्वेश्चन पे अपने टीचर और दोस्तों से चर्चा कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन है 0.9999, ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और देखिए आपको आश्चर्यजनक आंसर आएगा, और उस आंसर पे चर्चा कीजिए। तो इस मेथड से आप बनाएं या उस लॉन्ग मेथड से बनाएं, किसी तरह से बनाएंगे। ये क्या हुआ 0.9 पे रिकरिंग, 0.999 आ रहा है तो 9 पे रिकरिंग, रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 9/9 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। आप लॉन्ग मेथड से भी बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ डेसिमल में है और वह डेसिमल 1 नहीं है, लेकिन उसका आंसर क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। अब इस पर ध्यान दीजिए आप, 0.9999 का मतलब क्या हो गया, नियरेस्ट टू 10 एथी नियरेस्ट टू 1 यानी दैट टेंडिंग टू 1, ये 1 की ओर जा रहा है। तो रूल के हिसाब से जब इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1/17 को यदि आप डेसिमल में चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वह यानी हर जो है वह 17 है। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जब डेसिमल में लिखेंगे तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, और इसको भाग दे करके आप बताइए। तो आइए भाग देते हैं 1/17 से, 1/17 से भाग देते हैं। भाग देने का जो रूल है 1/17 से नहीं लगेगा तो यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 1×0 देंगे, फिर भी भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 1 और 0 देंगे, यहाँ 1 और 0 देंगे। अब भाग लगेगा 17×25 शेष क्या बचेगा 15, अब भाग नहीं लगेगा तो 1×0 देंगे। 17×8 दीजिए तो 17×9 भी दे सकते हैं, नहीं 17×9 नहीं 8, 8×7=56, 8×1=5=13, 136, 10×6=4, 1 कैंसिल हो गया, शेष क्या बचा 14। फिर यहाँ डेसिमल नहीं देना है, सीधे 1×0 बैठा दे जाना है, और यदि 2×0 बैठाने की आवश्यकता होगी तो 1×0 भागफल में भी देना है। तो यहाँ 1×0 है तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं बैठाएंगे। 17×8=136, अब शेष बचा 4,
चालीस, 17 दुनी 34, 6 60, 17 51। भाग कब तक देना है ये देखिए, भाग तब तक आपको देना है जब तक शेष एक नहीं आ जाए या ये शेष जीरो नहीं आ जाए, समाप्त नहीं हो जाती। ये तो समाप्त होगा नहीं क्योंकि 17 से भाग दे रहे हैं, तो जब तक शेष एक नहीं आ जाए हमें इस क्वेश्चन में भाग देते जाना है, तब पता चलेगा कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे आमतौर पे हम लोग जब डिवीजन क्रिया करते हैं तो डेसिमल में एक या दो अंक के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वह अप्रोक्स वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है कि भाग दे करके आप पता कीजिए कितने अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो भाग देते जाइए जब तक शेष एक नहीं बचता है, 10 में से एक गया 9, अब ये 9 को यहाँ ले आके लिखते हैं, 90 हो गया, 17 5 85, फिर शेष आया 5, 50, 17 2 34, यहाँ लिखिए, यहाँ छोड़िए, 17 2 34, फिर कितना बचेगा, 16 60, 17 9 9 7 63, 9 9 15 153, 7 70, 17 4 65, 2 20, 17 1 17 3 30, 17 1 17 13, अब 13 में आइए, 130 हो गया, 17 7 119, 11 110, ये कटेगा तो 17 56 107, 102, शेष बचा 8 80, 17 4 68, 2 1 20, 17 7 119, शेष अब जा करके एक आ गया। तो अब एक आया, इतना लंबा भाग देने के, भाग देने में घबराना नहीं है क्योंकि आपको भाग देने आता है, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको भाग देने आता है, और यदि भाग देने आता है तो वो भाग बड़ा भी हो सकता है। यदि आपको साइकिल चलाने आता है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आपको 2 ही किलोमीटर तक साइकिल चलाने आता है, आपको 10 किलोमीटर जाना हो आप 10 किलोमीटर जा सकते हैं, 20 किलोमीटर जा सकते हैं, हाँ उसके लिए एनर्जी और समय लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ है, यदि आपको डिवाइड करने आता है तो आप भाग दे सकते हैं, एक स्टेप में नहीं आया। कितने अंक की पुनरावृत्ति हुई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कोई बात नहीं है, अब इसका वैल्यू जब आप लिखेंगे तो 1/17 बराबर क्या लिखेंगे, 0.058825529411767, और इस पर एक लाइन खींच देंगे, यानी कि जब एक में हम 17 से भाग देंगे तो ये सभी जितने अंक आए हैं इन्हीं सभी अंकों की पुनरावृत्ति फिर से होगी क्योंकि शेष हमारा फिर एक आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हट जाएगा, इसलिए हम लोग समय और जगह को बचाएँ। करा पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। किस तरह की संख्या के, पी बटा क्यू के, जहाँ क्यू जीरो नहीं है, ये तो नोन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है, इसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाते। पी और क्यू क्या है, तो पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि अब कटने छटने वाला नहीं है। कह रहा है कि इसका और जिसका शांत निरूपण है, कैसा है, शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करता है, ये पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई फ्रैक्शन आप ऐसा लेते हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और वह शांत तभी होगा जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 रहे। तो कुछ इस तरह के उदाहरण आप लिख लीजिए, जैसे 2/5, 3/4, 7/10 नहीं कटने वाला है, और सबका दशमलव प्रसार जो होगा वह कैसा होगा, शांत होगा। तो कुछ उदाहरण यहाँ लिख दिए। उदाहरण ऐसे लिखने में ये ध्यान रखना है कि
कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं कर रहा है तो नहीं हो, और नीचे वाले का जब आप उभय गुणनखंड करें तो उसमें केवल दो और पाँच आए। अब फिर पूछ रहा है कि क्यों कैसा होगा, तो क्यों कैसा होगा, दो और पाँच का गुणनखंड होगा। तो दो कोई जरूरी नहीं कि एक ही दो आए, दो दो तीन दो भी आ सकता है, इसलिए इसका पावर m और इसका पावर n लिख देते हैं, और लिख देते हैं जहाँ m n पूर्णांक है, m और n क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में तो अब निगेटिव भी आ जाएगा, इसलिए पूर्णांक नहीं लिखिए, धनात्मक पूर्णांक लिखिए, या एम एन पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जिस फ्रैक्शन का दशमलव प्रसार शांत होगा उसका कैसा होगा डिनोमिनेटर, केवल दो और पाँच होगा उसके उभयन, तो उसका रूप जो लिखना होगा वो टू टू द पावर m एंड फाइव टू द पावर n के रूप का लिखेंगे। तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 7, 8, 9 तीनों बोर्ड पे लिख दिया गया है ताकि आपके समय की बचत हो सके। समय का सही उपयोग करना सीखिए, कम समय में अधिक से अधिक काम करना सीखिए, क्योंकि हर आदमी के पास 24 आवर्स ही हैं, इसलिए समय का आप सदुपयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपका करियर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरे बारीकी से देखिए, आपको एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को इतने बढ़िया ढंग से बता दिया गया है कि एक बार देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और हाँ यदि कोई दिक्कत आपको हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप लिखिए, निधड़क लिखिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको लिखिए, और यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। आइए यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि ऐसी तीन संख्याएँ लिखिए, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। वही चीज़ है आपको जो बताए थे हम, अशांत को अनवसानी भी कहते हैं, अशांत अनावर्ती, तो अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है। तो यानी कहने का मतलब आपको तीन अपरिमेय संख्या के उदाहरण लिखने हैं, तो आप उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं। आंसर जब आप लिखें तो आप दो तरह से आपको बता दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तो वह अनवसानी अनावर्ती होगा। एक आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा आंसर आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, अथवा आप ऐसे लिख सकते हैं 0.01001001, एक ये हो गया, दूसरा 0.20002002, ऐसे लिख सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या लिखने के लिए एक मेथड है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इसमें 0 और 1 या 0, 2 या 1, 2 का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि रिपीटेशन नहीं हो और समाप्त भी नहीं, जैसे 1 0 है 1 1 है। अब रिपीटेशन कब माना जाएगा, जब 1 0 और 1 1 आए, तो यहाँ 2 0 हो गया, यहाँ 3 0 हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरह तीसरा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 1.02300023000023000, इसी तरह से बढ़ाते चले जाइए, किसी एक को इधर उधर उलट दीजिए, बढ़ा दीजिए, एक पैटर्न भी फॉलो कर लेगा, यानी वो आगे बढ़ेगा उसी तरह से और रिपीट भी नहीं होगा। तो आप या तो ये आंसर लिखे, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे अनंत संख्याएं हैं तो अनंत संख्याओं वाले प्रश्नों में आपको किताब से आंसर मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका एक तो फिक्स आंसर है नहीं, आप जितने तरह से उसका आंसर लिखना चाहें अनंत आंसर लिख सकते हैं, तो उसमें से किताब लिखने वाला कोई और आंसर दिया, मैंने कोई और आंसर दिया, आप कोई और आंसर दे सकते हैं, तीसरा कोई और आंसर दे सकता है। तो जहाँ ऑप्शन अनंत की है वहाँ एक आंसर पे कंसंट्रेट नहीं होना है और किताब के आंसर से मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि 2 परिमेय संख्या हो या 2 अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों नहीं हो, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या भी हो सकता है और अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या है, उस अनंत में से आपको 3 कोई लिखना है। तो लिखने का मेथड समझ लीजिए, आप आंसर कोई भी लिखेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आंसर छोटे वाले से छोटा नहीं हो और बड़े वाले से बड़ा नहीं हो। जैसे 5/7 है, 5/7, तो इसको डेसिमल में बदल देंगे। 5/7 को क्या करेंगे, डेसिमल में 2-3 अंक तक लिखेंगे,
सात सते उनचास, एक सात एकम सात, तीस सात चौका अट्ठाईस, तीन अंक में लिख के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नौ बट्टा ग्यारह, इसका भी दशमलव प्रसार वैसा ही आएगा और शांतावर्ती आएगा, तो नौ में ग्यारह से ग्यारह बटे अट्ठासी, बीस ग्यारह एकम ग्यारह, आपका नब्बे ग्यारह अठे अट्ठासी, ऐसे ही ये एट वन एट वन रिपीट करेगा। अब जरा गौर से देखिए, इसका डेसिमल में है सेवन, इसके डेसिमल में है एट, इसके डेसिमल में है सेवन वन, यहाँ एट है, तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, यानी आठ से छोटा चाहिए और सात से बड़ा, तो सात से बड़ा और आठ से छोटा तो मिलेगा नहीं, तो अब उसके बाद दूसरे अंक पे चले जाइए, ये सेवन वन है तो सेवन टू कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, सेवन थ्री कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, सेवन फोर कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो आपको तीन लिखना है, कितना लिखना है तीन, तो एक क्या हो जाएगा 0.72, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं रूट अंडर 23, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं रूट अंडर 225। अब ये 0.7 दूसरा 0.73 और तीसरा हम 0.74, लेकिन ये परिमेय हो गया, ये क्या हो गया परिमेय हो गया, आपको क्या लिखना है अपरिमेय, तो आप परिमेय वाला संख्या इस पर डाल दीजिए, ये 72 पर कोई भी डिजिट आप डालेंगे वह 73 से छोटा ही रहेगा, तो इस पर डालिए 01001 और सो ऑन कर दीजिए, इस पर भी डालिए 01001001 एंड सो ऑन कर दीजिए, इस पर भी डालिए 02002000 एंड सो ऑन, हो गया, ये तीनों अब अपरिमेय बन गया और इस तीनों का वैल्यू 0.71 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है, तो इस तरह से ये मेथड आप अपनाएंगे। यदि आपको परिमेय लिखना होता तो सीधे 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 लिख के छोड़ देते, शांत लिख देते, लेकिन आपको क्या लिखना है अपरिमेय लिखना है, तो अपरिमेय लिखना है तो वहाँ क्या है अशांत अनावर्ती, अनावशानी है वहीं अशांत अनावर्ती, तो इसको अशांत अनावर्ती बनाएंगे, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, ये कहता है कि बताइए इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो आपको अभी हमने बताया कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और उसका पूरा पूरा रूट निकल जा रहा है तो वह परिमेय, और पूरा पूरा रूट नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय, तो जैसे यहाँ रूट अंडर 23 है तो रूट 16 का 4 होता है और 25 का 5 होता है, 23 का तो कुछ होता नहीं, दशमलव में आएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, कैसा होगा अपरिमेय, ये हो जाता है 15, रूट 225 का वैल्यू क्या हो जाता है 15, तो ये हो जाएगा परिमेय, उसी तरह ये डेसिमल में है शांत है तो परिमेय, डेसिमल में शांत है तो परिमेय, डेसिमल में अशांत आवर्ती है तो भी परिमेय और अशांत अनावर्ती है तब अपरिमेय, ये देखिए 7.478 रिपीट हो रहा है यहाँ से 478, तो ये भी हो गया परिमेय, और ये देखिए अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे 0100 बढ़ रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय। तो एक बात हमेशा बच्चों ध्यान रखना है कि अगर कोई डेसिमल में है तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, रूट के अंदर कोई है तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, कब परिमेय होगा और कब अपरिमेय होगा इसको कान खोल करके सुन लीजिए, डेसिमल में है तो अगर शांत है तो परिमेय, अगर अशांत है आवर्ती है तो भी परिमेय, यानी दो केस परिमेय का बनता है, शांत है तो परिमेय, अशांत है और रिपीट हो रहा है रेकरिंग वाला है तो भी परिमेय, और अशांत में अनावर्ती है यानी शांत भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वह हो गया अपरिमेय। उसी तरह से रूट के अंदर कोई संख्या है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है, जैसे यहाँ 225 का वर्गमूल 15 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 हो गया, तो ये परिमेय हो गया, और 23 है उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 7 है उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 2 है उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, तो ये हो गया अपरिमेय।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी इसी वीडियो में ही अगला एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 और 6 करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम बताते हैं एक्सरसाइज 1.4। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 जो है ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन बड़े काम की चीज़ इसमें है और आने वाली परीक्षाओं में इससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर वह है क्या, तो जान लीजिए, संख्या रेखा पर किसी संख्या को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको परिमेय संख्या को निरूपित करना है, अगले एक्सरसाइज में हम अपरिमेय संख्या को भी दिखाएंगे। तो पहले इसका कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, इसमें मात्र दो ही प्रश्न हैं, पहले उसका कंसेप्ट हम बता देते हैं, उसके बाद इन दोनों प्रश्नों पर हम लोग आते हैं। अगर कोई रेखा हम खींचते हैं, ये हो गया एक सरल रेखा, इस पर हम बीच में कहीं भी जीरो दे दिए। अब दाहिनी ओर हम धनात्मक संख्या को लिखते हैं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं। बराबर दूरी पर आप 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से इधर -1, -2, -3, -4 लिख सकते हैं। ये संख्या रेखा हो गया। इस रेखा पर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कहाँ स्थान बनेगा, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को निरूपित करता है। तो उस बिंदु, कौन से बिंदु को कौन सी संख्या निरूपित करेगा, इसको आप कैसे खोजेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको गांव में जाना है, अपने गांव में किसी का घर खोजना है, तो निश्चित रूप से आप उसी गांव में जा कर के खोजेंगे, दूसरे गांव में तो खोजेंगे नहीं। उसी तरह से अगर डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, कोई परिमेय हो या अपरिमेय हो, तो उसको संख्या रेखा पर आप कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि जिन संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, वह संख्या किन दो पूर्णांक के बीच, ये तो पूर्णांक संख्या हम यहाँ दिखा दिए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, किस दो पूर्णांक के बीच में है, और उसी दोनों के बीच में खोजने का प्रयास करेंगे, पूरे नंबर लाइन को ढूंढेंगे नहीं। जैसे यहाँ सपोज कीजिए कह रहा है कि 3.765, जैसे 3 खोजना हो तो आपको यहाँ दिख गया 3 है, -2 खोजना हो तो यहाँ दिख गया आपको -2 है, लेकिन अब आपको 3.765 और कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा, यानी कि इसको फैला करके, बार बार फैला करके आपको उस नंबर को खोजना है। तो ये डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे आपको उतना स्टेप काम करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे क्वेश्चन में है 4.26 और उस पर रेकरिंग है और कह रहा है 0.4 स्थान तक खोजिए, तो 0.4 स्थान तक क्या हो जाएगा, ये 2626 चार अंक हो गया। तो ऐसे काम करना है। इस 3 अंक का है, ये 4 अंक का है, पहले हम इसको क्लियर करते हैं फिर इसको क्लियर करते हैं। ये 3 कुछ है तो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, यानी इसका स्थान यहाँ होगा। उसी तरह ये 4 कुछ है तो उसका स्थान 4 और 5 के बीच में होगा, ये ध्यान रखना है। यदि ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, लेंदी होगा, बोरिंग होगा। तो इसको अब हटाइए। पहला संख्या जो आपको खोजना है, ये कहाँ खोजना है, 3 और 4 के बीच में, तो आप एक लाइन खींचेंगे और यहाँ 3 दे देंगे और इधर 4 दे देंगे। ये चूंकि नंबर लाइन है और इनफाइनाइटली ये लेफ्ट और राइट फैला हुआ है, तो इस पर अगर 2 खोजना हो तो इसके लेफ्ट में होगा, माइनस खोजना हो तो उसके और लेफ्ट में जाएगा, 4 से बड़ा खोजना हो तो राइट में जाएगा, ये ध्यान रखना है। कोई भी संख्या अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होता है और राइट वाले से छोटा होता है, यानी संख्या रेखा पर हम नंबर को लेफ्ट टू राइट बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो ये 3 से कहाँ तक, 4 के बीच में हमें इसको खोजना है। तो 3 से 4 के बीच को 10 भागों में हम लोग बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 10 भाग में। अब ये बांटेंगे आप कैसे, इसके लिए आप कोई नियम तो नहीं है कि आप किस तरह से बांटें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एकदम बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम बेस नहीं। तो आप इसके लिए एक मेथड आपको हम समझा दे रहे हैं कि इसको पहले नहीं लिखिए। 3 है यहाँ, स्केल को इस पर रख दीजिए और हर सेंटीमीटर पर एक पॉइंट नोट कीजिए। यहाँ स्केल रखने के बाद एक एक सेंटीमीटर पर 1, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और दसवां जहां आए वहां 4 लिख दीजिए। अब गौर कीजिए कि 10 भाग में बटा कि नहीं, इसको गिन भी लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और प्रत्येक इसलिए बराबर है कि सबको आप एक एक सेंटीमीटर लिए हैं। चूंकि ये नंबर लाइन है और इन्फाइनाइटली फैला हुआ है, और ये डिस्टेंस कहीं फिक्स मेजरमेंट थोड़े कि हम कितना दूर पर चार लेंगे। हाँ, ये निश्चित अब हो गया कि ये अगर 10 सेंटीमीटर लिए हैं तो 5 अगले 10 सेंटीमीटर पर मिलेगा, 2 लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर। आप आधा सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मेजरमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब आपको खोजना क्या है, 3.765, तो पहले 3.7 खोजिए। तो ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ये हुआ आपका 3.7, और ये हो गया आपका 3.8। चूंकि ये संख्या जो है 3.7 से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 3.8 से कम है, इसीलिए दोनों को दिखाएंगे। इसको ऊपर लिख देते हैं 3.7, 3.8। अब ये बीच वाले को फैला दीजिए, बीच वाले को, इसीलिए उत्तरोत्तर आवर्धन दिया हुआ, इस बीच में इसको खोजना है। तो यहाँ एक लाइन खींचिए, इसको यहाँ ले आकर के दिखाइए कि ये हुआ हमारा 3.7, और फिर यहाँ से 10-10 सेंटीमीटर नापिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 3.8, यानी ये बीच की दूरी को हमने फैला दिया। तो ये हुआ 3.7, ये हुआ 3.8। बारीकी से इसको समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझ लेंगे आप तो ऐसे हजारों क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आपको क्या दिखाना है, 3.76 से भी ज़्यादा, तो 3.76 खोजिए। तो ये होगा 3.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हुआ 3.76 और ये हुआ 3.77। अब 7, 6 रहता तो यही आंसर हो जाता, 7, 7 रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन न 7, 7 है न 7, 6 है, 7, 6 से थोड़ा ज़्यादा है, 7, 7 से थोड़ा कम है। तो इसको फैलाइए, फिर यहाँ एक नंबर लाइन फिर खींचिए। पहले ही आपको बता दिए हैं कि डेसिमल में जितने अंक होंगे उतना लाइन खींचना होगा। तो ये हो गया आपका 3.76, फिर 10 को पॉइंट दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ध्यान रखिएगा, ये हम हाथ से खींच रहे हैं, थोड़ा कम बेस कहीं हो सकता है, लेकिन आपको स्केल से मेजर करके लिखना है, आपका कम ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये हो गया 3.77। अब 7, 6 के बाद क्या है, 5 है, तो इस पर 5 को गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पॉइंट जो हो गया आपका, ये हो गया 3.765, और इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। तो आपको ऐसे करना है, डेसिमल में उसको संख्या रेखा पर लिखते जाना है, फैलाते जाना है। तो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए और घर में बैठ करके इस तरह के अनेकों प्रश्न लेकर के उसका प्रैक्टिस कीजिए। इसको नोट करने के बाद एक बच रहा है, इसको हम यही समझा दे रहे हैं, ये 4 अंक में लेना है तो 4 होगा। एक ऐसे कर लीजिए, लाइन खींचिए, यहाँ थोड़ा हम छोटा छोटा मेजरमेंट ले लेंगे, 4.26 है तो 4 यहाँ देंगे, छोटा छोटा आधा सेंटीमीटर पे हम ले ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 हो गया। 4.6 है तो 4 और 5 के बीच में उसका आंसर निकलेगा। अब 4.2 क्या है, 2 है, तो 1, 2 यहाँ आ गया, 4.2, ये हो गया 4.3, यहाँ से ऐसे फैला दीजिए, 4.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 4.3 हो गया। अब 4.2 के बाद क्या है, 4.26 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया 4.26, ये हो गया 4.27। अब इसको फिर फैलाएंगे, यहाँ से आ जाइए 4.26 और इधर आ जाएगा 4.27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 4.27। ऐसे 2, 6 के बाद फिर 2 है तो 1, 2, ये हो गया 4.26, 2, और ये हो गया 4.26, 3,
फिर यहाँ से फैलाइए, देखिए चार अंक तक करना है तो एक दो तीन चौथे लाइन में जाके मिलेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ 4.262 और इधर हो जाएगा 4.263। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ दिखा दीजिए, फैलाते जाना, इसको क्या करना है फैलाते जाना। अब 4.262 के बाद 6 जाना है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो होगा ये हो गया 4.26 26, और इस तरह से आपका ये हो गया आंसर। तो ये आसान है, लेकिन आप काम कैसे करेंगे, आप स्केल का यूज़ करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे और एक्यूरेट मेजरमेंट लेंगे, थोड़ा सा भी आप एक mm भी इधर उधर नहीं करेंगे। तो इस तरह के आपको होमवर्क कुछ हम दे दे रहे हैं, घर में बैठ करके इस तरह के चार पांच को अपने से करके देखिए। होमवर्क आपका रहा, संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है 2.374, दूसरा 5.823 और तीसरा 1.1234। तो इसको आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह के आपके वैल्यूएबल्स वीडियो क्लास 9 से लेकर 12 तक के और जनरल मैथमेटिक्स के लिए, आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।